स्वागत है गाइस एक नया वीडियो में। ये वीडियो में आप लोगों को मैं लेके जाऊंगा खारदुंगला, जो लद्दाख का सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं लद्दाख में, वो जाते हैं खारदुंगला में। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने दिनों में मेरा खर्चा कितना हुआ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सवाल पूछा था ये खर्चे के ऊपर, तो मुझे भी लगता है कि बजट जो है वो एक बार शेयर कर देना चाहिए। तो जिसको भी बजट के बारे में नहीं जानना है तो ये सेक्शन स्किप कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि आप लोग देख ही लो, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलेगा एक छोटा सा ट्रिप करने में कितना पैसा खर्चा होता है। तो वैसे सब कुछ नोट करके रखा है मैंने। होटल्स का ये सीन है कि होटल में खर्चा मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं ऑफिस करके ट्रैवल कर रहा था और हर रोज़ 2-3 घंटा ट्रैवल करता था और पूरा दिन होटल में रुक के ऑफिस करता था मैं। तो इसका वजह से जहाँ पे मनाली पहुँचने में 6 दिन लगता है मेरा होम टाउन से, वहाँ पे मुझे लगा 12-13 दिन। और मनाली पहुँचने के बाद से मैं गया जिस्पा में जाके 500 रुपये में रुका। फिर वहाँ से अगला डेस्टिनेशन था गोनमोरोंजोन, वहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग किया तो कोई खर्चा नहीं लगा। अगला जो डेस्टिनेशन था पुणे में 1000 रुपये, उसमें खाना पीना इंक्लूडेड था। और अगला जगह था पादुम में 750 रुपये करके था। तो त्रिपुरा मेरा होम टाउन से लेके कारगिल तक जितना सारा होटल का खर्चा हुआ है वो है 15,250 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी अगला चीज़ जो है वो है फूडिंग, खाना पीना में हर रोज़ मान लो अप्रोक्सीमेट आपका चला जाएगा 300 से 500 रुपये। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और भी रास्ते में जो भी खाओगे, पानी बोतल वगैरह, वो सब इंक्लूड करके, तो उसमें टोटल खर्चा गया 5,000 रुपये। फिर उसके बाद आता है पेट्रोल का। क्या है कि मेरा होम टाउन से ही मनाली का जो डिस्टेंस है वो है 3000 किलोमीटर, वो 90 लीटर जैसा पेट्रोल लगा। तो पेट्रोल में मेरा टोटल अप्रोक्सीमेट खर्चा गया 9,000 रुपये। तो टोटल होटल, खाना पीना, पेट्रोल सब मिला के जो मेरा खर्चा हुआ वो है 29,250 रुपीज़, अप्रोक्स 30,000 रुपीज़। वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली। तो अभी फ़िलहाल मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमा के बारे में बताऊंगा। ये ऐप स्टोर में भी है और प्ले स्टोर में भी है। इसमें ना आप अलग अलग एसेट्स पे ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, और तो और फॉरेन करेंसीज में भी कर सकते हो, जैसे कि US डॉलर, यूरो वगैरह वगैरह। और इसमें आपको 90% जैसा प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एक एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं एक 700 रुपये का ट्रेड अप में करता हूँ कि एसेट की वैल्यू बढ़ेगा, और थोड़ा रुकते यस देखो मेरा फोरकास्ट सही निकला। और ये जो पैसा है ना, ये आपके बैंक अकाउंट पर या फिर पेटीएम पर बहुत ही आसानी से 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट है 350 रुपीज़। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो, जो यूज़ करने से आपका जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। मतलब 400 रुपये अगर आप टॉप अप करते हो तो आपका 800 रुपये हो जाएगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने बिनोमो का लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आपको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के साथ साथ जो डेमो अकाउंट है उस पे 65,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। तो उससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स, स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा अर्निंग का जो चांस है, पॉसिबिलिटीज़ है और स्किल्स है वो बढ़ेगा। लेकिन गाइस ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क हो सकता है। सो गाइस आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है मैंने। थैंक यू सो मच। आई एम बिनोमिस्ट, आर यू? तो गाइस चलते हैं लेह, खारदुंगला एक्सप्लोर करते हैं। और मैं ये बता दूं, मैं लेह में बहुत दिन रुका था, ऑलमोस्ट 3 हफ्ता रुका था। वहाँ पे रुक रुक के मैंने ऑफिस किया। हर सैटरडे संडे मैं कहीं ना कहीं गया एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ये सैटरडे संडे मैं गया खारदुंगला, अगला सैटरडे संडे मैं गया पेंगोंग, अगला मैं गया सियाचिन ग्लेशियर। तो ऐसे करके जो लेह के जो आसपास के जगह है वो मैंने ट्रेवल किया होटल में रुक के, और मैं रुका था अचीना गेस्ट हाउस में। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, और आधा घंटे के अंदर मैं निकलने वाला हूँ खारदुंगला जाने के लिए। रेडी हो चुका हूँ, आज ज़्यादा सामान लेके जाऊँगा नहीं, सैडल बैग वगैरह सब रूम में रख के जाऊँगा। टैंक बैग है, और टैंक बैग में कैमरा है सिर्फ, और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खारदुंगला घूमने के बाद यहाँ पे फिर से आने वाला हूँ। मैं एक्चुअली गेस्ट हाउस में रुका हूँ, और ये गेस्ट हाउस का नाम है अचीना गेस्ट हाउस। लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। स्वागत है गाइस लेह के सड़कों में। खारदुंगला लेह से 39 किलोमीटर दूर है। खारदुंगला टॉप एक्चुअली हाईएस्ट मोटरेबल रोड तो नहीं है, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स बन गए हैं। लेकिन वहाँ का जो खारदुंगला के सामने जो पिलर है ना, जहाँ पे लिखा हुआ हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वो अभी भी है। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, लोड करियर यूनियन। हाँ सर, खारदुंगला बाइक मेरा खुद का है। इसका आरसी है? हाँ सब तो है, डॉक्यूमेंट्स।
अमित सिंघल, अमित सिन्हा। हाँ, और सर एक सवाल था, मान लो कोई आया बाहर से रेंट करके, अभी आप आके तो बाइक तो बदलना होगा उनको खरदुंगला आने के लिए, तो पैसा देके क्या अलाउ करते हो आप लोग? नहीं होता है यहाँ से ना, मतलब यहाँ से बाइक रेंट पे। तो यहाँ पे कुछ मतलब आप लोग कुछ फीस रख के उसको अलाउ नहीं करते? ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, यूट्यूबर हो। ये जगह पे शायद एक पेट्रोल पंप ओपन हो रहा है, यहाँ पे पेट्रोल का जो मशीन है वो देखा मैंने, ठंड लग रहा है, विंटर ग्लास लाया नहीं मैंने, भूल जाता हूँ हर बार, भूल जाता हूँ मैं। वहाँ पे एक स्तूपा टाइप का नज़र आ रहा होगा, वो है शांति स्तूपा। शांति स्तूपा में लास्ट टाइम गया था, इसलिए इस बार मैं जाऊँगा नहीं। एक अच्छा चीज़ ये है कि अभी तक मैंने किसी बाइकर्स को या फिर कोई टूरिस्ट व्हीकल को क्रॉस नहीं किया या फिर जाते हुए नहीं देखा। आई होप खारदुंगला टॉप थोड़ा सुना सुना रहेगा, सुना सुना रहने से अच्छा है क्योंकि फोटोज़ वगैरह आराम से खींच सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं हूँ 13,000 फीट में, और भी ऊपर चढ़ना है 17,000 फीट तक। एक्साइटेड हूँ खारदुंगला टॉप के लिए, मुझे लग रहा है ना वही खारदुंगला है जो स्नो देख रहा ना ऊपर, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है उधर जाने का, तो शायद मुझे लग रहा है कि वही खारदुंगला है। ये सब पहाड़ जो है ये चढ़ के वो कोना में जाना है मुझे, कब से तो चढ़ ही रहा हूँ मैं साउथ पुल्लू और 15 किलोमीटर, और साउथ पुल्लू से खारदुंगला 14 किलोमीटर। जब तक पास नहीं देता तब तक क्रॉस नहीं करने का। रास्ता कितना मस्त हो गया, 2 साल पहले जब आया था उस टाइम टार्मिक रोड थोड़ा सा ही था, बाकी तो पूरा एकदम पत्थर वाला रोड था, वैसे उस टाइम रास्ता बन रहा था, और अभी देखो कितना मस्त है, बीआरओ ने अपना कमाल करके दिखाया। ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही रोड से जाते हैं सियाचिन बेस कैंप, उधर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है तुरतुक त्याक्षी, तो इसी रोड से जाना पड़ता है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है ये रोड। तो मैं पहुंच गया साउथ पुल्लू, मैं कोई परमिट लेके आया नहीं हूँ, देखते इधर रोकते हैं कि नहीं। ठंड लग रहा है मुझे, यहाँ पे रेनकोट पहनना होगा, अंदर में इनर वगैरह पहना है मैंने फिर भी ठंड लग रहा है। तो ये जो रोड है ये बीआरओ के प्रोजेक्ट विनायक के अंडर बना है। हेलो, फाइन फाइन, मैं त्रिपुरा। हाँ, अमित WB 20, अकेले सिंगल, बस नंबर नोट किया और छोड़ दिया। सो अभी मैं हूँ 15,300 फीट पे खारदुंगला और 14 किलोमीटर। मुझे सोच के भी अजीब लग रहा है कि खारदुंगला मैं दूसरा बार जा रहा हूँ, पहले बार जब आया था तब सोचा था कि हाँ और तो नहीं आऊँगा, शायद यही आखिरी बार है, लेकिन इस बार फिर से 2 साल बाद खारदुंगला टॉप। इतना ठंड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पहाड़ के साइड में देखो सफेद सफेद, इधर ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये गाड़ी है और इसका हालत देखो क्या है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज ड्राइव केयरफुली। अरे मेरा हाथ जिन 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 कर रहा है ठंड की वजह से, मेरा हाथ लग रहा है फट जाएगा। रोड के ऊपर स्नो जमा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है वैसे, लेकिन अंदर नीचे में ये सब बहुत स्कीट करता है। ये देखो ये सब रोड में पास दे देते हैं। ओके, सो वेलकम टू खारदुंगला टॉप। ओह, 17,982 फीट। ये भी ठंड लग रहा है साइलेंसर। वेलकम टू खारदुंगला टॉप, मस्त ऑसम, काफी स्नोफॉल हुआ है और ऐसा टाइम पे आया हो कि कोई है नहीं, टूरिस्ट बहुत कम है यहाँ पे अभी। Motorable point.
फिलहाल है अभी 17,982 फीट में, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड माना जाता है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा गलत है। अभी बहुत सारे पासेस नए नए बन गए जो इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। एक तो है उमलिंगला और एक है केला पास। बेस्ट ऑप्शन क्या पता है? सुबह सुबह आना है, सुबह सुबह इतना लोग नहीं रहते तो आराम से फोटो वीडियो खींच सकते हो। लास्ट टाइम फोटोशूट वगैरह उतना ठीक से हुआ नहीं था, इस बार थोड़ा ठीक ठाक हुआ, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। रेनकोट फिर से पहन लिया मैं। नुब्रा वैली का जो रास्ता है वो यही है। आप अगर उधर से आ रहे हो लेह से, खरदुंगला आएगा, उसके बाद उधर नुब्रा वैली। नुब्रा वैली मतलब तुरतुक त्याक्षी थांग, जो इंडिया का लास्ट विलेज है थांग, वो इधर ही है। ठीक है, डिस्किट हंडर वो सब इधर, पानामिक सियाचिन बेस कैंप सब इधर। यहाँ पे एक क्या बोलते इसे, कैफे है, खरदुंगला कैफे, तो वहाँ पे जाके कुछ चाय वाय पीते हैं। यह है खरदुंगला कैफे, वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफे। ये देखो चाकू जैसा है। ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगा और गिर के घुस जाएगा। और ये तो भाई आया। खरदुंगला के बर्फों में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी निकल गया हूँ मैं लेह सिटी की तरफ। सबसे पहला काम जो करना है, मुझे बाइक सर्विसिंग करवाना है। बाइक का हाल आपको पता है, सर्विसिंग का ज़रूरत है। और सामने का टायर में पता नहीं क्यों एक अजीब सा एक आवाज़ हो रहा है, वो एक बार मुझे दिखाना होगा। तो चलते हैं डायरेक्टली बाइक सर्विसिंग करवाना है। ये देखो गाड़ी का क्या हाल हुआ है, देख रहे हो? तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। तो ये एक लाइव एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल देकर समझाया है इन्होंने कि अच्छे से चलाओ, केयरफुली चलाओ। क्या हाल हो गया गाड़ी का। सही है सही है। अभी बाइक सर्विसिंग के लिए आया था। ये देखो ये टूटा हुआ है और ये दोनों साइड का टूटा हुआ है। ये कैसे टूटा समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसलिए फ्रंट व्हील से आवाज़ आ रहा था बहुत। ये पूरा चेंज करना पड़ रहा है अभी, वेल्डिंग करने से भी हो जाता लेकिन कर नहीं रहा वेल्डिंग। बाइक सर्विसिंग हो गया अभी, ज़्यादा कुछ करवा नहीं, एयर फिल्टर चेंज किया, इंजन ऑयल वगैरह सब सही है, क्योंकि मनाली में तो चेंज करके ही आया था मैं। और बस अभी देखते हैं बाइक क्लीन करवाना है, उसके बाद बाइक का काम ख़त्म। एक्चुअली मैं सर्विस सेंटर गया था पहले, एनफील्ड का सर्विस सेंटर, लेकिन वहाँ पे इतना भीड़ है तो आज बाइक अगर अभी देता तो शाम को मिलता, 10 बजे अगर देता तो 6-7 बजे मिलता बाइक मुझे, तो इसलिए वहाँ पे करवाया नहीं। कि यहाँ पे सर्विस सेंटर के बगल में एक शॉप है, एनफील्ड का सर्विस सेंटर है वहाँ पे, वहाँ से 200 मीटर ये शॉप मिल जाएगा। सही है, अच्छा है, सब बढ़िया। एक प्रॉब्लम ख़त्म, अब दूसरा मुसीबत चालू। टॉप बॉक्स का चाबी गुम हो गया मेरा, कैसे कहीं पे तो गिर गया होगा। टॉप बॉक्स का एक लौता चाबी था मेरा, मुझे डर था कि गुम हो जाएगा, कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा। मैं बहुत ध्यान से रख रहा था लेकिन पता नहीं कैसे गुम हो गया। बहुत सारा शॉप मिले मुझे चाबी ठीक करने वाले, लेकिन सब लोग मना कर रहे। तो अभी अब शॉप के बारे में पता चला, ऑटो जोन, तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाके पूछते होगा कि नहीं होगा। दोपहर से एक्चुअली टेंशन में था, दोपहर से चक्कर काट रहा हूँ मैं पूरा ले शहर का, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था। बीच में ऐसा सोचा कि टॉप बॉक्स लॉक तोड़ दूंगा, क्योंकि अंदर में सामान वगैरह था, अब लॉक तोड़ने से भी दिक्कत हो जाएगा, बाइक चलाने में प्रॉब्लम होगा। फिर सोचा नया टॉप बॉक्स खरीद लेता हूँ, लेकिन नया टॉप बॉक्स यहाँ पे है नहीं। तो एट लास्ट यहाँ पे आया ऑटोजोन कारकिस, एक शॉप है, भैया ने चुटकी में अभी 2 किस बना लिया। हाँ, थैंक यू सो मच, आपने सेव कर दिया। की रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है, बाइक हो या कार हो, तो यहाँ पे आ सकते हो, ये एयरपोर्ट रोड में है, मतलब फेमस है बहुत, किसी को भी पूछने से बता देंगे। ये टू व्हीलर फोर व्हीलर सब गाड़ियों का
चाबी और रिमोट वगैरह सब यहीं पे हो जाता है, एयरपोर्ट रोड पे अपना ऑटो जोन कार की इस नाम है दुकान। हाँ जी, बाइक का टॉप बॉक्स का टेंशन खत्म। अभी मुझे जाना है दीदी के पास। अभी दीदी कौन है ये आप सोच रहे हो, तो आपको अगर याद है लास्ट सीरीज में मैंने जहाँ से परमिट बनवाया था, रीज़न ये है कि मुझे परमिट बनवाना है, मुझे जाना है सियाचिन, उमलिंगला पास वगैरह वगैरह, तो वो सब के लिए परमिट ज़रूरी होता है, वो जो मैं दीदी से बनवाऊँगा। आ गया लुंगता एडवेंचर ट्रेवल। अरे दीदी जले जले आपको पता चल गया होगा, लास्ट टाइम मैं यहाँ से ही परमिट वगैरह बनवाया था, तो अभी फिर से आया हूँ एक बार मिलने के लिए भी और परमिट बनाने के लिए भी। दीदी आ जाइए आप इधर। दीदी बहुत शर्माती है, दीदी का हंसी रुकेगा नहीं अभी। तो अगर आ रहे हो ले और परमिट वगैरह बनवाना है तो यहाँ से बनवा सकते हो। वैसे ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा है जो डीसी ऑफिस जाना पड़ता है, जैसे कि हानले सोमोरीरी, फिर उधर कौन सा बेस कैंप बोला, सियाचिन बेस कैंप ओपन हो गया है, तो वो सब जगह जाने के लिए आपको डीसी ऑफिस जाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि डीसी ऑफिस में जाके लाइन में नहीं लग के अगर उस टाइम हम कहीं पे घूम ले और दीदी के हवाले कर दे परमिट, दीदी बना के रख देगी, तो बहुत इजी होता है और सस्ते में भी होता है। बाइक रेंट करना है, कार रेंट करना है, होटल बुकिंग करना है, आइटिनरी प्लान वगैरह करना है, कुछ भी रास्ता के बारे में हाल वाल जानना है, तो दीदी को यहाँ पे आके दीदी के साथ बात करके यहाँ से सब कुछ अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे नंबर डिस्प्ले कर दिया मैंने, लेकिन अगर सच में आ रहे हो तभी कॉन्टेक्ट करना। तो दीदी बोल रही थी कि बहुत कॉल्स आया है, तो अच्छा है कॉल करो, लेकिन अगर आ रहे हो तभी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।